वेलकम टू बिजनेस टाइकून। मैं हूं आदित्य बंसल, आपके लिए फिर से हाजिर हूं बिजनेस टाइकून आदित्य चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा भारत के दो म्यूचुअल फंड, बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड जिसमें आप होल्डिंग बनाइए, बहुत अच्छे फंड हैं। आइए शुरू करते हैं। ये मेरे पिछले वीडियो हैं, जिसने नहीं देखे वो ज़रूर देखिए। इसमें मैंने बताया हुआ है म्यूचुअल फ़ंड क्या है, ये मेरा पिछला वीडियो है, इसमें कैसे निवेश करें। भारत रोड नेटवर्क लिमिटेड जो स्टॉक है वो जो बढ़ रहा है, 25 से कम का स्टॉक, सब पागल हैं, बिटकॉइन वाला भी है और 100 रुपये से कम का शेयर भी इसमें बताया हुआ है। ये शेयर सारे बढ़ रहे हैं और बढ़ चुके भी हैं। आपने नहीं देखे हो ज़रूर देखिएगा। बिटकॉइन तेज़ी से बढ़ रहा है, इसको भी ख़रीदिए। आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। दो बेहतरीन म्यूचुअल फ़ंड, मनी कंट्रोल की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगर किसी ने अपना अकाउंट, डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो ज़रूर खुलवा लीजिए, क्योंकि उसी से ही म्यूचुअल फ़ंड बाय करना अच्छा रहेगा। और जिसका अकाउंट है वो अच्छी बात है, लेकिन जिसका अकाउंट है अगर उसकी ब्रोकरेज ज़्यादा लग रही है तो उस पर सतर्क हो जाएं, और उस ब्रोकरेज फर्म का दूसरा एक और अकाउंट खोलने में बिल्कुल मत हिचकिचाएं, क्योंकि अगर आपकी ब्रोकरेज ज़्यादा है, अगर सब उसको दे देंगे तो आप क्या कमाओगे। इसलिए अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर या जिसकी ब्रोकरेज बहुत कम है उसी में अकाउंट एक और खुलवा लें। अगर आपका पहले से है तो आप दूसरा भी खुलवा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन ब्रोकरेज, अगर आपका ब्रोकर ज़्यादा ले रहा है पैसे आपसे, तो आप देखिए, कई कई में तो 100 रुपये लॉट अगर कोई ऑप्शन में ट्रेड करता है और 5 पैसे इंट्राडे में और 50 पैसे डिलीवरी में चार्ज लग रहा है, जो बहुत ज़्यादा है। एक अच्छा ब्रोकर है, वो मैंने पहले ही बताया था और अब भी बता रहा हूँ, जिसका ब्रोकरेज बहुत कम है। आप ये म्यूचुअल फ़ंड में उसका अगर म्यूचुअल फ़ंड ख़रीदते हैं उस ब्रोकर के द्वारा, तो वो फ्री है। आप म्यूचुअल फ़ंड में SIP चालू करिए, बिल्कुल फ्री है आपका। और आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें 1 पैसा लगता है, और उसमें सर्विस टैक्स वगैरह भी बहुत कम है। सर्विस टैक्स और भी स्टाम्प ड्यूटी वगैरह बहुत कम है, और ब्रोकर बहुत इसके नाम से बहुत ज़्यादा पैसे वसूल रहे हैं, इसलिए आप सतर्क हो जाएं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ले दूँगा, आप वहाँ जाके अपना दूसरा ब्रोकर चुन सकते हैं, वहाँ अकाउंट खुलवा सकते हैं। मेरा भी उसी में अकाउंट है और बहुत अच्छा चल रहा है उसमें। आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो चलते हैं म्यूचुअल फंड में, टॉप रैंक्ड स्कीम में। पहला अपना म्यूचुअल फंड है ABSL टॉप 100 ग्रोथ। डायरेक्ट मत चुनना, ग्रोथ ही चुनना। देखिए, आदित्य बिरला सन लाइफ टॉप 100 फंड ग्रोथ। रैंकिंग किसल रैंकिंग 1 पर है, 5 स्टार दिए हुए हैं इसको। इसकी रेटिंग अच्छी है, 56.091 इसकी NAV चल रही है। 52 वीक हाई 56.418 चल रहा है, और 52 वीक लो 43.566 December 26, 2016 में था। इस स्कीम में 1 मंथ में 0.3%, 1 साल में 15%, और 2 साल में 17%, और 5 साल में 19.20% तक रिटर्न दिया हुआ है इसने। ये बहुत अच्छा फंड है, और इसके इन्फॉर्मेशन देखते हैं। लार्ज कैप का फंड है दोस्तों, ये ओपन एंडेड स्कीम है, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट है। इसको 28 सितंबर 2005 में लॉन्च किया हुआ है। जे CNX निफ्टी के सारे शेयरों में ट्रेड करता है, और एसेट साइज़ इसका 2262
करोड़ है, मिनिमम इन्वेस्ट 5,000 रुपये, डिविडेंड देता नहीं है, बोनस देता नहीं। फंड मैनेजर इसका महेश पाटिल, आइए पोर्टफोलियो जानते हैं। और भी मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि म्यूचुअल फंड 30,000 करोड़ से भी पार हो चुका है इसका, हर इतनी SIP चल रही है, और म्यूचुअल फंड में लोग ज़्यादा सेफ मांगते हैं इसको, इसीलिए बहुत चल रहा है इसमें पोर्टफोलियो। देखिए आप ICICI, ITC, HDFC, इन्फोसिस, SBI, सुजुकी, इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर्स, वेदांता, यस बैंक, सारे अच्छे शेयर हैं, और इनमें ज़्यादा होल्डिंग ICICI बैंक और ITC में है इसकी। इसकी इक्विटी में 91.39%, अदर में 1.81, डेब्ट में 0.83, म्यूचुअल फंड में 0.70। इसकी देखो सब में है, इसके पास कैश 5.27% कैश है इस पे, इक्विटी में भी है, अदर्स में भी है, डेब्ट में भी है, सब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में इसने पैसा लगाया हुआ है। और आप दोस्तों, अगर आप 2,000 रुपये इसमें हर महीने इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी रिस्क एंड रिवार्ड वैल्यू 0 हो जाएगी, आप रिस्क बिल्कुल आपकी बहुत कम हो जाएगी, आपका NAV अपने आप एडजस्ट होता रहेगा, कभी ज़्यादा में ले लिए, कभी कम में ले लिए, इसलिए आप टेंशन ना लें। ओवरऑल रिटर्न बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा फंड है अपना आल में चलते हैं, दूसरा फंड मैंने बैलेंस से लिया हुआ है, देखते हैं कौन सा है, HDFC बैलेंस फंड ग्रोथ 142.475 इसका प्राइस चल रहा है, NAV चल रही है, 52 भी खाई 144, और 116 52 भी लो। रिटर्न की बात करें तो 1 महीने में माइनस में, 3 महीने में 2.9, 6 महीने में 12, 1 साल में 15, 2 साल में 16, 17, 3 साल में 13, 5 साल में 19, 19.5% तक रिटर्न दिया हुआ है, और बहुत अच्छा HDFC फंड माना जाता है, और ये बैलेंस्ड फंड है। आगे देखते हैं, फंड कैटेगरी बैलेंस्ड है। बैलेंस का मतलब क्या होता है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। सॉरी, फंड फैमिली HDFC म्यूचुअल फंड ओपन एंडेड फंड है, ग्रोथ ये 2000 में लॉन्च हुआ है सितंबर में। इसका एसेट साइज 9818.56 करोड़, 98.18 करोड़ का एसेट साइज है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये है, और फंड मैनेजर चिराग सेतालवार्थ, ये फंड मैनेजर हैं इनके, इन्होंने भी NIFTY 50 की कंपनी में होल्डिंग बनाई हुई है, लर्सन, रिलायंस, ITC, ICICI, ट्यूब इन्वेस्टमेंट सब में है, कुल मिला के NIFTY के अलावा भी है। एरोबिंदो फार्मा, पावर ग्रिड, बोल्टास सेक्टर, बैंकिंग में, इंजीनियरिंग में, ऑयल एंड गैस टेक्नोलॉजी, तंबाकू और मिसेलियंस अलग है। इक्विटी में देखिए आप, इन्होंने 65% रिटर्न, वो सॉरी निवेश परसेंट का निवेश किया हुआ है, अदर 2.34 है, डेप्ट में है, म्यूचुअल फंड में है, मनी मार्केट में नहीं है, कैश कॉल इसका डेप्ट में भी है, 65% इक्विटी में और 35% अदर में, इसका कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है इनने, जो आपको बहुत रिस्क इसका सबसे कम हो जाता है, उसका थोड़ा बहुत मॉडरेट रहता भी है पर इसका बहुत कम हो रहता है, और आप इसमें इन्वेस्ट करिए, SIP से इन्वेस्ट करिए तो बहुत और भी अच्छा चल रहा है, लमसम करना है वो भी आप इसमें कर सकते हैं, और बहुत अच्छा रिटर्न दोनों देंगे। आप देखते हैं कि कब तक अपन करोड़पति बन जाएंगे इन दोनों फंड की मदद से। तो चलते हैं म्यूचुअल फंड पर्सनल फाइनेंस में, इसके टूल्स का इस्तेमाल करते हैं अपन, तो देखते हैं हाउ टू बी ए करोड़पति।
करंट एज, आप जिस एज में स्टार्ट करेंगे उसी उसी की एज डालना, इससे पता चलेगा कि आप कितना इन्वेस्ट आपको करना पड़ेगा तब आप करोड़पति बन जाएंगे। करंट एज मेरी 28 है, तो मैं 28 डालता हूँ। वांट टू बी ए करोड़पति, मुझे 55 साल तक करोड़पति बनना है। अमाउंट इन्वेस्टेड टिल डेथ 2-2 4 हज़ार रुपये आपके हो जाएंगे। दोनों में 2-2 हज़ार रुपये करोगे आप तो 4 हज़ार रुपये डालते हैं अपन, और मंथली 4 हज़ार रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट वैसे तो इंटरेस्ट उन्होंने 20% तक दिया है 5 साल में, पर अपन 12% का मान के चलते हैं। टैक्स पेरेट ब्रैकेट 18 में आते हैं। देखते हैं कंपाउंड, इफ़ यू इन्वेस्ट 4 हज़ार तो देखिए आप 97,50,944 आपके हो जाएंगे 55 साल की उम्र तक। और आप करोड़पति बनना चाहते हैं 55 तक, तो 4103 रुपये का 103 रुपये बढ़ाना पड़ेंगे साहब। ये मैंने आप वैसे ही मोटे तौर पर अनुमान लगाया हुआ है, और आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो हो सके ज़्यादा भी हो सकता है। मैंने तो 12 का इंटरेस्ट लिया हुआ है, आप अपने हिसाब से इसमें चेंज कर सकते हैं। इसमें 60 साल करें तो 60 साल में 4 हज़ार, 18 का देखिए आप 1 लाख, 1,80,00,000 रुपये बन रहे हैं साहब 5 साल के अंतर में। 1,80,00,000 मतलब 1 करोड़ रुपये सीधे बढ़ गए, 90,00,000 रुपये बढ़ गए इसमें। तो 5 साल के अंदर 90,00,000 बढ़ गए। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का है हिसाब है। और अगर आप जल्दी बनना चाहते हैं, और मेरी 28 की एज है और मैं 50 तक करोड़पति बनना चाहता हूँ, तो देखते हैं इफ़ यू हैव इन्वेस्टमेंट 4 हज़ार टिल डेट 4 हज़ार एवरी मंथ, यू विल हैव 51 लाख, ओनली 51,87,000 होंगे। और आप वांट टू बी ए करोड़पति, 50 की उम्र में करोड़पति बनना चाहते हैं, 77,50 का एवरी मंथ इन्वेस्ट कीजिए, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। ये तो मैंने अनुमानित तौर पर 4 हज़ार रुपये का इन्वेस्ट बताया हुआ है आपको, क्योंकि 2 म्यूचुअल फंड में 2,000 रुपये पर म्यूचुअल फंड के हिसाब से, और आप आगे बढ़ाइए तो जल्दी अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और जो भी आपकी क्वायरी हो मेरा व्हाट्सअप नंबर है उसको पूछना, और आप कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।